हुए। लेफ्ट साइड में हमारा जो है मंदिर दिखाते हैं, यहाँ पे मेला भी भराते हैं काफ़ी अच्छा। हालांकि अभी मेला का सीजन न है, काफ़ी फेमस मंदिर है रे अंधियार खोर के आसपास के जगह के। ठीक है, देखो शंभूपुरी सत्संग समिति मरका बगीचा है रे, मरका बगीचा के नाम से जाने जाते जगह ला वहीं हवा देवी देवता के मंदिर का देवी देवता के मंदिर पहले देखो। अच्छा यही देखकर मेन गेट है बंद का है। ठीक है, इसे तो मन बर्बाद करा रहे हैं, लेकिन घूमने बार आए तो सोचे मरका के बगीचा के मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। ठीक है, सादे कर मेन गेट हरे यहाँ पे लिखे शंभूपुरी सत्संग समिति मरका बगीचा, बाकी गेट तो खुले हुए आस पास वो मंदिर है। अंदर जाकर देखते हैं यार, ये भी बेमेतर जिला में यहाँ पे दर्शन करो। ठीक है, चलो नाथन अंदर उस मंदिर में तो अभी कोई नहीं है, एकदम सवेरे सवेरे टाइम है। बढ़िया शांत है मंदिर प्रांगण, अभी पुजारी मन भी नहीं दिखा थे, बाकी हाफ नदी के किनारे ही बसे भी है, हाफ नदी के किनारे ही जो है स्थापित है मंदिर। ओम नमः शिवाय। तो ये अरे मंदिर प्रांगण जब हवन पूजा होते या फिर भीड़ भाड़ बढ़ते ना तो ठहरते ठहरे वेरे एक जगह रे पूजा सामग्री की रखे जगह, बाकी मेन गेड़ा राधा कृष्ण के मंदिर है यहाँ पास। अभी सब मंदिर मन के किवाड़ जो है अभी बंद है, मतलब मरका मंदिर मुख्य रूप से कौन से देवी देवता खड़े मंदिर है। हाँ ये बीच वाले है ना, कौन से भगवान भी राजमान है वहाँ, शिव। वहाँ नीचे एक बजरंग बली की मूर्ति रखा है और मुख्य मंदिर ये बात दोस्तों ये मुख्य मंदिर है जहाँ पे घंटी बंधा है दिक्कत हुई, शिव भगवान के शायद मंदिर है। हाँ शिव भगवान की मंदिर है, वहाँ कर आरती और शिव स्तुति लिखा है। बाकी मंदिर में भी अभी ताला लगे मुख्य मंदिर में भी। ठीक है, वाइट कलर में मंदिर है, मस्त घंटी लगे दोनों मुड़ा मंदिर के जस्ट शिव भगवान के मंदिर के सामने नंदी महाराज के एक ठक मंदिर हवा है। मंदिर प्रांगण अभी खाली है, एक जन पुजारी बसा हुआ है यहाँ। अंदर जाके दिखा तो मैं अगर दिख जी मंदिर। अच्छा अंदर अंदर है भाई, एक ठक शिलानुमा एक ठक मूर्ति रखा है, हो सके तो मैं जूम करके दिखाया कोशिश करूँ। देखो शिलानुमा वही है रे, शिवलिंग के रूप में यहाँ पे शिव जी है विराजमान। ठीक है, जस्ट शिव जी के जो मंदिर हवा है ना उकर बाजू में एक ठकाऊ मंदिर हवा है, ये कोई देवी के मंदिर है, ये माता वीणा देवी के मंदिर है रे, वहाँ पे उकर फोटो भी हवा है मूर्ति भी एक ठक। तो दोस्तों ये अरे वीणा देवी के मंदिर सरस्वती माता आप कह सकते हो। ठीक है, जस्ट उकर सामने ही यहाँ पे पोस्टर लिखे जहाँ पे ये जो धार्मिक स्थल है मरका बगीचा उखर जानकारी लिखे हुआ, ये हिंदी में लिखे, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लो, फिर भी मैं अपन तरफ से पढ़ के बताया था। ठीक है, हिंदी में मरका बगीचा की सामान्य जानकारी, बेमेतरा जिला का सबसे बड़ा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल मरका बगीचा लगानी ज़मीन है और यहाँ पर प्राकृतिक कुंड है ना जो कि उत्तरमुखी बहते हुए मतलब उत्तरमुख से बहते हुए हाँप नदी में पवित्र संगम बनाती है और माघी पूर्णिमा के समय यहाँ पे हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु जो है स्नान करने आते हैं और श्रवण मास में कुंड का जल जो है सैकड़ों कांवरे जो यहाँ पे आते हैं और भोरमदेव उमर कंटक लेकर जाते हैं, यहाँ से जो है जल लेकर जाते हैं कांवड़िए जो है। ऐतिहासिक महत्व की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा देखिए, जमीन से उद्गरित हुई है, जो अभी मैंने आपको शिव जी की जो शिला रूपी जो प्रतिमा दिखाई है ना वो जमीन से उद्गमित हुई है और अनुमान लगाया जाता है कि 1934 में जो है हरिराम साहू पुरुषोत्तम साहू द्वारा जो है मंदिर का निर्माण कराया गया था। भौगोलिक महत्व भी दिया है दोस्तों यहाँ पे, यह पवित्र संगम जो है स्थल जो है पाँच गाँवों मरका घटोली पड़कीडीह अंधियार खोर और जेवरा मतलब कि पाँच गाँवों के जो संगम स्थल है को सीमा को यहाँ पे छूता है और ये निजी ट्रस्ट है और वर्ष 1957 में डॉक्टर भैरव प्रसाद मिश्रा की अध्यक्षता में सत्संग समिति का गठन किया जो कि 50 वर्ष बाद शंभूपुरी नाम जोड़कर शंभूपुरी सत्संग समिति मरका बगीचा के नाम से जाना गया। तब से समिति के द्वारा नर्मदा जयंती माघ शुक्ल 7 से माघी पूर्णिमा तक श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ एवं विशाल मेला का आयोजन होते आ रहा है और यह विगत 63 वर्षों से निर्विघ्न हो रहा है, मतलब कि 63 वर्षों से लगातार हो रहा है। ठीक है, माघ पूर्णिमा शुक्ल 7 से। तो ये थी मंदिर के बारे में जानकारी छोटी सी। ठीक है,
जो लगभग के मतलब कि मंदिर की पूरी जानकारी देता है अगर आप इसको देख लेते हैं तो। यहाँ पे कुछ और पोस्टर टंगे हुए हैं, ठीक है, मंदिर के बारे में निर्देश दे रहे हैं कि यहाँ पे अच्छे से आप शांति में नहीं रखिए, ठीक है। तो ये मुख्य मंदिर परिसर मैंने आपको घुमाया मरका बगीचा का, और ऐतिहासिक जानकारी दी, भौगोलिक जानकारी दी, ठीक है। सहायक मंदिर भी है, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर सहायक मंदिर है। आइए अब मंदिर के बाहर प्रांगण को घूमते हैं। अभी दोस्तों मेरा ब्लॉग कभी सीजी में होता है कभी हिंदी में, तो प्लीज़ यार आप उसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या है अपन छत्तीसगढ़ियाँ तो सीजी तो बोलेंगे ही, और कभी कभी हिंदी भी निकल जाता है मुँह से, है ना। तो प्लीज़ आप बस ब्लॉग देखिए यार, आपको दोनों लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। तो दोस्तों यह है मंदिर प्रांगण के बाहर का भवन जैसा कुछ बना है। जब भीड़ बढ़ती होगी तो श्रद्धालु जो है यहीं पे अपना पूजन का कार्य करते होंगे, श्रद्धालु यहीं पे रुकते होंगे। यहाँ पे स्तुति लिखी हुई है, धार्मिक स्तुतियाँ दीवारों पर, और भगवान के इष्ट देव के ऋषि मुनियों के यहाँ पे फोटो भी लगे हुए हैं, आदि शंकराचार्य के, स्वामी करपात्री जी का, ठीक है। आइए आपको अब यहाँ से नदी जाने का रास्ता है, और ये देखिए यहाँ पे दो पहिया चार पहिया वाहन अंदर ले जाना मना है। जब भी यहाँ भीड़ की स्थिति होती होगी तो ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। मंदिर के बाजू से ही एक रास्ता है, ठीक है, नदी की तरफ जाने का। इस तरफ बह रही है नदी, जो हाफ नदी जिसको बोलते हैं, तुरतुरिया नाला। अभी तो छत्तीसगढ़ में लगभग हर नदी जो है अपने प्रचंड रूप में है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको इसका एक और वीडियो दिखाया होगा बरबसपुर में, ये वही नदी है, ठीक है। यहाँ पे आगे एक ब्रिज है, पड़कीडीह और अंधियारखोर के बीच एक ब्रिज है, दोनों गांवों के बीच से जो है नदी बह के आ रही है। देखिए कितना मतलब कि भरा हुआ है, अभी तो इसका वाटर लेवल जो है अभी कम भी हो गया है, फिर भी इतना पानी काफ़ी आपको बहा कर ले जाने के लिए, ठीक है। तो यहीं से जो है जल लेते हैं कांवड़िए भी, जब आते हैं अमरकंटक और भोरमदेव जाते हैं यहीं से जल लेकर। चलिए अब वापस चलते हैं यार, अभी ये मेले का समय नहीं, मेले के समय में यहाँ पे अच्छी भीड़ रहती है तगड़ी। ये देखिए यहाँ पे मोर पोस्टर भी लगा है, विराट मेला मरका बगीचा नदी। अच्छा यहाँ से जो है एक घाट जैसा बना है, आइए आपको ले जाते हैं, जो कांवड़िए आते हैं शायद यहीं पानी ले जाते हैं, या फिर विसर्जित करने के लिए शिवलिंग में पानी अगर ले जाना हो तो भी वहीं से आके ले जाते हैं। बाकी बढ़िया एक सुविधाजनक सीढ़ी बना दी गई है, एक घाट बना दिया गया है। देखिए शिव जी की जो यहाँ पे धार्मिक स्थल जो स्थापित हुई है, वहाँ के घाट को छूते हुए स्पर्श करते हुए जा रही है हाफ नदी की ये जो पानी है। जय गंगा भैया। तो एक आध दो सीढ़ियाँ और होंगी, उसके बाद सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती है, तो प्लीज़ आप इससे आगे ना जाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों अब वापस चलते हैं यहाँ से, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे अस्थियाँ भी विसर्जित कर सकते हैं, यहाँ छोटे छोटे गार्डन जैसे भी बनाए गए हैं। तो संगम स्थल पर आप जो देखिए यहाँ पे लिखा है, संगम स्थल पर आप राख और अस्थियाँ जो है विसर्जित कर सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड में लिखा है, ठीक है। ये मतलब कि संगम स्थल है यहाँ का। अच्छा तो ये है दोस्तों जो हम तुरतुरिया नाला जो बोल रहे थे ना, वो वाला ये वाला नाला है। तो यहाँ से जो है हाफ नदी आ रही है इस साइड से, ठीक है, तोरा से होते हुए, बरबसपुर से होते हुए हाफ नदी इधर से आ रही है। ये है दोस्तों तुरतुरिया नाला, आप इसको कह सकते हैं। तो दोनों का जो है यहाँ पे संगम हो रहा है, और ये आगे किस गांव जाती है तो मेरे को उतना अंदाज़ा नहीं है, बाकी संगम स्थल है। और जो अस्थियाँ जो आपको अस्थियाँ विसर्जित करनी है ना, वो इसी जगह आप करेंगे, ठीक है, ये जो संगम स्थल है यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर। तो दोस्तों हम मंदिर भी घूम चुके हैं, हमने घाट भी देखा मंदिर का, और साथ ही अस्थियाँ राख विसर्जित करने वाली जो संगम स्थल है उसको भी मैंने दिखा दिया, ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। आप भी अगर आते हैं नवागढ़ तरफ, आपका अगर आना होता है, बेमेतरा जिला आना होता है, तो आप इस धार्मिक स्थल में एक बार ज़रूर आइएगा, ठीक है। यहाँ आस पास के मतलब कि नवागढ़ काफ़ी फेमस जगह है,
मतलब मेला कब कब भर आती है अगर पूर्णिमा माघी पूर्णिमा में मेला भर आते ना, मतलब बस एक ही समय भर आते। अच्छा यहाँ जो शंकर भगवान स्थापित है बोला का नाम से जाने जाते हैं, और करके दूसरा नाम है का यहाँ जो जिसे धरती से उद्गमित हुए बोलते हैं, धरती से निकले हैं और जिसे ज्योतिर्लिंग मन के नाम नहीं थे उसने कुछ अलग से नाम है का, वो नाम तो पढ़े हो ना। उमर शिव जी बस करके लिखा है, और दूसरा नाम देखे नहीं हमने तो कैसे इतना पूछते रहे ले कुछ नहीं देखा। तो माघी पूर्णिमा में जैसे बताया गारी जी ने कि माघी पूर्णिमा में यहाँ पे मेला भर आता है, तो मंदिर प्रांगण तो अपन घूम ही चुके हैं, एक बार मैं और जाना चाहता हूँ मंदिर। एक्चुअली मैंने देखा नहीं कि वहाँ शिव जी को और किस नाम से जाना जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो धरती से उद्गमित हुए हैं। मैं वापस पोस्टर के पास आ गया हूँ। शंभूपुरी शंकर जी की कृपा है, शंभूपुरी कह सकते हैं आप इसको, है ना। अच्छा शंभूपुरी नाम से जाना गया है जी, चलो बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि जब यहाँ मेला भरा भराएगा माघी पूर्णिमा का तो एक बार और आपको दर्शन कराने लाएंगे। बाकी आपको मंदिर को अच्छे से दर्शन करना है तो आप ऐसे ही खाली समय में भी आ सकते हैं, क्योंकि यही सही समय रहता है, भीड़ भाड़ में आप अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाओगे, तो मैं समझता हूँ कि खाली समय अच्छा है ना। चलिए सागर और मयंक वेट कर रहे हैं मेरा। मंदिर प्रांगण के बाहर एक और मंदिर है, यहाँ पे आदिशक्ति माता का मंदिर है, और भी कई छोटे छोटे मंदिर है उस साइड, ठीक है। बाकी आप आइएगा तो आप दर्शन कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोग आए हैं बेमेतरा नवागढ़ रोड से राइट लेके, और यह है मरका बगीचा, आगे मरका गांव जाता है, ठीक है। तो अब यहीं से हम लोग वापस जो है जा रहे हैं, हम लोग आते हैं सागर मंकू और मैं, ठीक है। मंकू को कुछ दिखा, ठीक है। तो अभी हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं, है ना मंकू।